Hello student of 10th class, you are most welcome in the class of the bio subject and video number 3rd of the topic human excretion. इस वीडियो में हमने होम टास्क दिया है, आपको हमने बताया कि एक्सक्रिएशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. आपको एक्सक्रिएशन से इस तरह के डायग्राम बने हुए होंगे और इसकी जो हर पार्ट्स जो होते हैं उसका नाम लिखना होता है. ऐसे आपको रहेगा 1, 2, 3, 4, ऐसे उसकी नंबरिंग होगी और प्रत्येक नंबर का आपको नाम लिखना होगा. जैसे सपोज डैट आप यहां देखिए, जैसे नंबर वन में क्या है, नंबर वन में आपको जो ये पार्ट्स का जो नाम है यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं, ठीक है ना. और टू में क्या है, ये जो पार्ट्स हैं ये टू में उसका नाम लिखना है. इस तरह से प्रत्येक पार्ट को नंबरिंग के द्वारा आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन किया गया है और इसके आपके प्रत्येक जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के पार्ट्स के नाम लिखने होते हैं. और ये क्वेश्चन प्रायः 5 नंबर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के नीचे 5 मार्क्स लिखा है. 5 मार्क्स इसलिए हमने लिखा है कि जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए आप अपने 5 मार्क्स लिखा है, ठीक है ना. तो ये इस तरह के डायग्राम होते हैं और उसमें इसके प्रत्येक पार्ट्स के लेवलिंग के लिए दिया जाता है, इसलिए हम 5 मार्क्स के होते हैं. दूसरा क्वेश्चन नंबर है आपको, What do you mean by excretion? दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना. तो पहले आपको excretion को समझना होगा कि excretion क्या है, तब फिर हम इसको समझ सकते हैं, human excretory system को समझ सकते हैं. ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये देखेंगे. और हमने कहा था कि किडनी इज नॉट ओनली द ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स बट इट इज द ऑस्मो रेगुलेटर. अब हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेटर. ता ऑर्गन्स विच बैलेंस द अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी वाटर एंड आयन मिनरल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर. ओके. और ह्यूमन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटर होता है. तो ये क्या होते हैं, किडनी क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेटर डिवाइस है. यानी जो हमारे बॉडी के जो ऑस्मोलरिटी है, ऑस्मोलरिटी मींस मिनरल्स आयंस अमाउंट ऑफ वाटर, इसको हमेशा क्या होते हैं, ये बैलेंस रखते हैं. तो इट इज नॉट एक्सक्रिएट या रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर बॉडी बट ऑल्सो बैलेंस द बॉडी ऑस्मोलरिटी ऑफ आवर बॉडी. देयरफॉर किडनी इज कॉल्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेटर. थैंक यू. ओके बच्चे भैया बहन, जो हम पढ़ाते हैं उसको आप फिर बुक खोलिए, बुक खोल करके फिर आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और हम जो हमारा जो वीडियो है उसको दोनों मिला करके पढ़िए, तब आप उस कंटेंट को, उस टॉपिक्स को आप बहुत गहराई तक समझ पाएंगे, ठीक है ना. और जो भी होम टास्क है उसको HW की कॉपी में लिखिए और जो हमारा वीडियो है, जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, इसी CW की कॉपी में लिखिए. ओके थैंक यू बाय.